भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां भिंड जिले में चल रही हैं। बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो चैन स्नैचिंग और अन्य लूटपाट जैसी घटनाएं ना हो और बाजार में जाम ना लगे, इसके चलते भिंड पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। बात की जाए राखी, कपड़ों और चूड़ियों, मिठाइयों के दुकानदारों की, तो उनका कहना है कि रक्षाबंधन पर बिक्री होती थी और वो बिक्री अब नहीं हो रही है। कई दुकानदारों की लगाई पूंजी भी नहीं निकल पा रही है। इसका कारण इस वर्ष बाढ़ और लगातार दो वर्षों से कोरोना की मार से हर आदमी त्रस्त होने के कारण उनकी दुकानदारी नहीं हो रही है। वहीं ग्राहकों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि महंगाई इतनी है कि त्योहारों का बजट ही बिगड़ गया है। लेकिन भाई बहन के इस रक्षाबंधन के पर्व पर अपने स्तर पर बहनों की ओर से भाइयों के लिए तैयारियां चल रही हैं। भिंड जिले में रक्षाबंधन के पर्व पर कई जगह मेले लगते हैं तो कई जगह झूला प्रतियोगिताएं होती हैं। रक्षाबंधन पर भाई बहन नए कपड़े पहनते हैं, वहीं महिलाओं में मेहंदी लगाने का प्रचलन भी देखने को मिलता है। कई श्रद्धालु मंदिर में जाकर भगवान को राखी बांध कर ये पर्व मनाते हैं तो कई समाज सेवी गरीबों के बीच पहुँच कर उनकी मदद कर रक्षाबंधन का पर्व मनाते नजर आ रहे हैं। हाँ खरीदी वही सब डजन वाली जो चल रही है, महंगाई तो है ही है, तो वो सारी एक सी चल रही तो ले ली है। चाइना वाली राखी नहीं खरीदी? नहीं, चाइना वाली। क्यों? चाइना का माल चाइना जैसा, अपने भारतीय राखी भारतीय जैसी। अच्छा। कितनी राखी खरीदी? वो डजन के हिसाब से चल रही तो वो डजन ही चल रहा है, तो डजन ही ली है। क्या नाम? नेहा नरवरिया। और रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और जो भी पुलिस हमारे पास पर्याप्त बल है उसको हमने बाजार में लगा दिया है और त्यौहार तक बराबर ड्यूटी करता रहेगा। कितनी संख्या में सब लगे होंगे जवान? मेरे पूरे करीब 55 आदमी बाजार में पूरी व्यवस्था में लगे हुए, उसमें चार्ली है, मोबाइल है, चौकी है और फिक्स पिकेट है। 40 सब मिला के हमने करीब 60 का बल लगाया हुआ है। लॉकडाउन के लोग बागों पर पैसा नहीं है, लॉकडाउन के वजह से कमाई का साधन ख़त्म हो गया। लोग युवा जो बाहर काम करते थे वो आ गए हैं, अब जा नहीं पा रहे इस वजह से। आपके जो खर्चा है दुकान का किराया वगैरह कैसे निकल रहा है? अब जो मेंटेनेंस कर रहे हैं जो पहले से था वो बहुत, और माल भी महंगा हो गया और जो पैसा बिकता था बचता था वो भी नहीं बच रहा। बिल्कुल साहब फ्लॉप रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है बाजार। क्या कारण है? पानी की वजह, पानी भरा है सामने तो। और क्या कारण है? और बाढ़ आए हैं उसकी वजह से नहीं आदमी आ जा रहा है। सबसे दिक्कत है पानी की, यहाँ पर पानी भरा है सबसे ज़्यादा, पानी में निकल नहीं रहेगा। आप सर दुकानदारी कुछ नहीं, ये मान लो खरीद के गरीब पैसे नहीं इकट्ठे करने में छीके आ रही है, बहुत मद्दा बिक रहा है। ये मान लो 8 रुपए की लच्छी खरीद है, 10 रुपए की 12 बेच रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण क्या है? बाढ़ वगैरह आ गई है तो गाँव का ग्राहक बिल्कुल आ ही नहीं रहा है।